बेद की तहसील बिसलपुर के ग्राम बमरोली के मुख्य मार्ग पर जूनियर हाई स्कूल के अवरुद्ध किया गया है। समाज की जमीन भू माफिया स्वराज विभाग की मिली भगत से कब्जा कर लिया गया। मकानों और दुकान का निर्माण भी करवा दिया गया है। 4.5 एकड़ की भूमि की कीमत करोड़ों रुपए है। मुख्यमंत्री विश्वास के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट, प्राइम की न्यूज चैनल के लिए। हम बता देंगे आपको। उधर ही चले गए रुको, चलने दो। चलो हो गया काम। ग्राम बमरोली में कुछ जमीन जो है स्कूल के नाम दर्ज है पुरानी, उसके पट्टे कैसे हुए? अब इसमें बमरोली में जो है 409 नंबर नई पर्ती के नाम से दर्ज है और विवरण के कॉलम में स्कूल के लिए आरक्षित दिखाया गया है। इसमें यह शिकायत मिल रही है कि इसमें कुछ लोगों ने बैनामे करके जो है इस पर मकान वगैरह बना लिए हैं। तो ये चूँकि पुराना प्रकरण है, वो बैनामा पुराने बताए जा रहे हैं, तो लोगों के अभिलेख मांग करके देखे जाएंगे और जांच की जाएगी वस्तुस्थिति क्या है और किस प्रकार से ये लोग इस विवादित ज़मीन पर आ गए हैं, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ सुनने में आया कि देखने में आया कि दलितों की ज़मीनें हैं, पट्टे जो हैं दलितों के हैं और सामान्य कास्ट के लोगों के मकान हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह का प्रकरण है और एक एक मामले को मैं देख रहा हूँ, अगर इस तरह कोई प्रकरण आता है, अगर बिना परमिशन के बैनामा करा करके उस पर कब्जा किया गया है, तो उस पर उसको कैंसिल करने के लिए कलेक्टर को रिपोर्ट देनी है। तो कुछ लोग दिखा रहे हैं कि बैनामा हमारे नाम है, वो बिना परमिशन के बैनामा हो जाता है दलितों की जमीन का? अब वो देखने पर ही सही स्थिति का पता चल पाएगा कि